अबे का हुआ फ्राइलिंग, हार गई तुम्हारी टीम? पर कुछ भी कहो यार, तुम्हारी टीम हारी पर तुम्हारे प्रदर्शन में कोई बदलाव नहीं आया। इस मैच में भी तुमने 43 रन ठोक दिए और एक विकेट भी लिया है। बॉलिंग भी बहुत खतरनाक करते हो यार तुम, तुम्हें तो आईपीएल में तुम्हारा चयन होना चाहिए। अरे रोहित भाई, ट्राई कर रहे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे, हम भी चाहते कि हमारा भी चयन आईपीएल में हो, हम भी मोटी तगड़ी रकम कमाए, पैसा वैसा कमाए। सुना है तुम आईपीएल खेलते हो तो एक भी मैच में रेस्ट नहीं लेते हो और इंटरनेशनल पे रेस्ट लिए जाते हो। अबे ये फ्राइलिंग, कायदे में बोलो, समझे? तुमको बुलाया है हम, अपनी बिज्जती कराने नहीं बुलाया तुमको हम यहाँ, इसलिए कायदे में बोलो। रोहित भाई को कुछ बोलो नहीं, वो बराबर अपना संभाल लेते हैं अपना, समझे? खेलना किस मैच में खेलना और किस मैच में नहीं खेलना है। वो कैसी बात कर रहे हो फ्राइलिंग, तुमको क्या लगता है हम पैसे के लिए आईपीएल खेलते हैं? पर नहीं, हम परफॉर्म सुधारने के लिए हम आईपीएल खेलते हैं, समझे? अगर आईपीएल में अच्छा खेलते हैं तो हम इंटरनेशनल में भी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, समझे? अरे ऐसा है क्या रोहित भैया? अरे हमको तो मालूम ही नहीं था, पर हम तुमको बहुत दिनों से देख रहे हैं, इंटरनेशनल में तुम आईपीएल के बाद से सिर्फ एक ही अर्धशतक लगाए हो बस। अबे फ्राइलिंग, फालतू की बातें नहीं करो, समझे? आज के मैच की बातें करो। तुम्हारी टीम हारी है मैच, अपने टीम पे ध्यान दो। हमारी टीम तो जीत भी जाती है हमारी कप्तानी में, केव एडवर्ड। अरे बिल्कुल बिल्कुल रोहित भैया, अपनी टीम में ध्यान देने की बजाय दूसरे की बुराइयां निकालने लग गया है फ्राइलिंग, लुल खिलाड़ी। इसे कोई ऑलराउंडर थोड़ी ना कहेगा, इसे तो बुराई चापलूसी करने बैठ जाता है बस, ये बुराई। अबे एडवर्ड, तुम्हारी टीम को देखते हैं दूसरे मैच में, अगले बार मुकाबला होगा ना हमारा आमना सामना, तब बताएंगे तुमको। उल्लो तुम उल्लो, अभी इतना उलना ना उल्लो। अबे फ्राइलिंग, बोल के नहीं करके दिखाना होता है, करके दिखाओ तो माने हम तुमको ऑलराउंडर खिलाड़ी।